Hey, welcome back. आई एम ओ सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्ज नगर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे बहुत दिन से बहुत सारे वीडियोज आपने देखा स्पोकन का रिटिन का ट्रांसलेशन का बट मैं चाहता हूँ ना कि आपको कुछ सेंटेंस भी दूँ जिस पर आप एरर सोच सको एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल बनाना आपको आ जाए और आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन में देना चाह रहा हूँ एक्चुअली आर्टिकल बहुत पढ़ते हैं लेकिन जब बनाने बैठते हैं ना तो क्वेश्चन नहीं बनता है आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत पढ़ते हैं ग्रामर बहुत पढ़े हुए हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता वाइल्ड स्पीकिंग वाइल्ड राइटिंग वर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन तो स्पीकिंग के दौरान राइटिंग के दौरान वी आर अनेबल टू सॉल्व एनी ऑफ़ देन व्हाट कैन आई डू सर क्या करना चाहिए वै डू दे कैसे करें प्रैक्टिस तो मैं आपको आर्ट दे रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बस आप सीखो कि सर क्या कहना चाहते हैं उस आर्ट के माध्यम से मैं क्या देना चाहता हूँ? उसे आप एक बार देखें और देखिए कि आपसे कैसे क्वेश्चन बनता है सोचने का नजरिया क्या हो तरीका क्या हो एक बार देखते हैं मेरे साथ और देखिए कितना मजे से बनेगा आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखा है आर्टिकल चैप्टर ए द सबको पता है ए द पढ़ाया हूं और आर्टिकल का हमने वीडियो यूट्यूब पे डाला है अभी नहीं तीन चार वीडियो डाला है पूरा आप पहले पढ़ लें फिर क्वेश्चन देख कैसे बनता है अब देखो क्वेश्चन आने के लिए यहाँ पे हमने फिल इन फिलिंदी ब्लैंक्स लिया है बहुत सारे ब्लैंक्स लिए जैसे आई वेंट टू सर्कस स्टडी आई सॉ खाली स्थान यहाँ पे क्या डॉट डॉट खाली स्थान एलिफेंट खालिस्तान टाइगर खालिस्तान लायन एंड खालिस्तान नंबर ऑफ ट्रेंड हॉर्सेस अब एग्जाम्पल है अब इसको बनाना है कैसे बनाएं? तो बनाने के लिए आई वेंट टू सर्कस स्टडे आई सॉ अब देखो एलिफेंट एलिफेंट कॉमन नाउन है कि नहीं बोलो तो दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन हो अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना फिर सुन लो हमने कहा दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन हो अगर फर्स्ट टाइम आया हो वेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, आर्टिकल ए एन इज यूज एंड द सेम नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड आर्टिकल इज़ यूज अब मुझे बताओ कि यहां पे एलिफेंट और कहीं आया क्या नहीं ना फर्स्ट टाइम आया कि नहीं आया तो यहां पे हम लोगों को ए या एन का चुनाव करना होगा राइट right? अब प्रश्न उठता है कि एलिफेंट से पहले ए लगाओ सर कि एन तो द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड जिसका उच्चारण कंठ से होगा आ, जिसका उच्चारण कंठ से होगा उसके पहले आर्टिकल एन लगाना जैसे हमने बोला एप्पल एप्पल अम्ब्रेला एलिफेंट तो उसके बॉडी इल ए जिसका उच्चारण बॉडी की सहायता से हो लिप्स से टीथ से टंग से हेल्प कर रहा हो वहां पे आर्टिकल ए लगाना और जहां पे माउथ खोला आम आ, आ पहला लेटर जो पहला लेटर वोकल कॉर्ड हो वो आर्टिकल एन लगाना मैं कहता हूँ ना पूरा सीखो बारीकी से सिर्फ मैं आंसर बता दू तो आंसर बताने के लिए नहीं आया हूं सिखाने आया हूं आप बहुत सीखते हो अब आप मैं आपको चाहता हूं दिमाग में डाल दू एक ही क्वेश्चन करो लेकिन डीप स्टडी तो आई वेंट टू सडे आई सॉ एन एलिफेंट यहां पे क्या आ गया एन एलिफेंट अब देखो टाइगर ही फर्स्ट टाइम आया है ना पहली बार टाइगर आया तो यहाँ पे आई विल पेंट ए टाइगर अब देखो लॉयन फर्स्ट पर आया ना तो यहाँ पे हो जाएगा अ लॉयन ठीक है बच्चे तो हमने कहा आई वेंट टू सर्कस स्टडी आई सॉ एन एलिफेंट अ टाइगर अ लॉयन एंड अब आप बताओ नंबर ऑफ ट्रेंड हाउस लिखूं यहाँ पे ए लगाऊं एन लगाऊं या द लगाऊं आप बताओ जल्दी क्या बता रहे हो ए एन द क्या लगा दूं अब ध्यान दो अगर यहां पे ट्रेंड वर्ड है यानी ट्रेंड को ढक लो नंबर ऑफ हॉर्सेस तो हॉर्सेस है तो कॉमन लेकिन नंबर ऑफ दो वर्ड होता है एक वर्ड है आ नंबर ऑफ और एक वर्ड होता है द नंबर ऑफ अब ए नंबर ऑफ का मतलब होता है अनजान में ज्यादा उस केस में ए लगाते हैं ए नंबर ऑफ लेकिन यहां पे घोड़ा क्या है ट्रेंड है तो ट्रेंड है तो आ जाएगा द नंबर ऑफ अगर घोड़ा ट्रेंड हो तो द नंबर क्यों क्योंकि ट्रेंड का मतलब हो गया संख्या में ज्यादा लेकिन निश्चित तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द नंबर ऑफ ट्रेंड हॉर्सेस जो घोड़ा ट्रेंड है तो इसके माध्यम से क्या लग जाएगा द लग जाएगा अगर ट्रेंड नहीं होता तो हम लोग ए लगाते अन नंबर ऑफ हॉर्सेस ये बात समझ में आया तो कोई चीज निश्चित हो तो वहां पे द लगाते हैं अनिश्चित हो तो एन लगाते हैं क्लियर अगला पॉइंट क्वेश्चन टू कहता है बच्चे कि कार मेड लाउड नॉइज कार लेट मेड लाउड नॉइज कह रहा है कार हल्ला कर रहा है ज्यादा नॉइज कर रहा है कौन सा भाई कार कार ज्यादा हल्ला कर रहा है अब बताओ कि कार तो है चलो कॉमन नाउन तो ये बताओ कि दुनिया के सारे कार हल्ला करता है या एक कार हल्ला कर रहा है निश्चित निश्चित ना तो जब निश्चित कार है कैसे पकड़ा तो निश्चित है क्योंकि लाउड नॉइज आप क्लू पकड़ो हर क्वेश्चन क्लू देगा उसी क्लू के माध्यम से आपको आंसर निकाल देना है तो लाउड नॉइज हो गया तो यहां पे लगाएंगे द कार मेड अब लाउड नॉइज फ्रेज है मेक एन नॉइज पढ़ते हो ना मेक एनज राइट गेट अ हैव अ स्वीट हैव स्विम डिनर राइट तो जगह मेक अ लाउड नॉइस तो यहां द लगाएंगे और यहां लगाएंगे मेरा लाउड नॉइज तो आर्टिकल रटने से नहीं आता मैं सिखाना क्या चाहता हूं आर्टिकल समझने से आता है रट्टा मारोगे भूल जाओगे आर्टिकल का जड़ क्या है कॉन्सेप्ट क्या है तब आपको समझ में आएगा अगला क्वेश्चन है बच्चे दिस इज पेन

यहाँ पे देखो डॉट डॉट यहाँ पे दैट दिया है अब दैट है रिलेटिव प्रोनाउन अब रिलेटिव प्रोनाउन यू गिव मी दैट यू गिव मी दिस इज दिस इज द पेन दैट यू गिव मी वही कलम है जो तुम्हें दिया था वही कलम तो दैट यहाँ पे द इसलिए होगा कि हिंदी निकलेगा वही का दिस इज द पेन ये वही कलम है दैट यू गिव मी जो तुमने मुझे था तो दिस इज निश्चित तो ध्यान देना बोलते हैं और को बोलते हैं, और दा को बोलते हैं ये बात समझ में आ गया तो और एग्जाम्पल देख अब यहाँ पे तीन पता है क्या लिया common errors. वो तीन था ना अब अब तीन ले लिया common errors. अब क्या है ना कि एक एक क्वेश्चन को देखो हर तरह के दिमाग मैं कुछ भी करूंगा ना तो आपको सिखाने के लिए करूंगा मैं ये नहीं चाहता कि मैं आंसर बता दूं आप आंसर देख लो कि नहीं ये और YouTube की तरह नहीं है ये बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीखने का प्रयास करते हो ये YouTube से अलग है ये अलग दुनिया है जिसमें आप सीखने का प्रयास करते हो वाकई जड़ में जाते हो और एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हो यहाँ देखो द सनर यू गो अब द सुनर यू गो फ्रॉम एयर बेटर इट इज़ नो एयर अब इसमें जो स्लैश दिया है बीच में इस स्लैश का मतलब क्या पता है कि यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस नहीं है ये पूरा का पूरा यहां तक एक वाक्य है एक सेंटेंस है तो आपको करना क्या है आप एक एक बॉक्स को देखिए आखिर उस बॉक्स में क्या गलती है राइट तो अभी तो चलो आर्टिकल पाया हूं तो पकड़ में आ जाएगा लेकिन आपको सीखना है तो दस सुनर अब सुनर क्या है कॉम्पेटिव है अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो द सुनर यू गो फ्रॉम हेयर बेटर यह भी कॉम्परेटिव है तो इसका कॉन्सेप्ट यह होता है बच्चे कि प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदरवर्ड फिर से कॉमा और फिर से एक बार द प्लस कॉम्परेटिव सब्जेक्ट वर्ब अदरवर्ड यानी कि द प्लस कॉम्परेटिव दा प्लस कॉम्परेटिव इसका थॉट होता है यानी एक बार कॉम्परेटिव से पहले दैट लगा कॉम्परेटिव क्या है सर जैसे गुड बेटर बेस्ट नहीं बोलते राम इज ए गुड बॉय राम इज बेटर देन सेम राम इज द बेस्ट बॉय तो पता है ना तो पॉजिटिव कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव तो ये सुनर जो है कॉम्परेटिव है चूंकि ई आर लगा हुआ है तो कॉम्परेटिव से पहले द लगाते हैं लग गया देखो यहाँ पे द प्लस कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट प्लस बार द सूनर यू गो द सूनर यू गो दिख रहा है सबको तो द सुनर यू गो फ्रॉम हेयर वर्ड हो गया अब यहाँ पे बोलो द बेटर होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए था यानी डी में गलती हो गया यही तुम्हारा आंसर है सही कैसे होगा तो द बेटर इट इज द बेटर इट इज ये बात आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो हमने कहा द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज अब ये सेंटेंस पूरी तरह से राइट हो गया अब कहीं गलती नहीं है तो एरर कैसे बनाए सर तो एरर एरर बनाने के लिए हर एक पार्ट को पढ़िए जो पार्ट गलत हो उसको सही करिए आर्टिकल हम लोग कैसे पढ़ते हैं का प्रयोग द कपड़ोग कपड़ो नदी के पहले झरना के पहले पहाड़ के पहले ऐसे आर्टिकल नहीं पढ़ना ऐसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एक बार आर्टिकल जो मैं पढ़ाया यूट्यूब पर उसको खोजो और उसको पढ़ने का प्रयास करो बढ़िया वीडियो बना के दिया हूं तो द यू गो फ्रॉम एयर द बेटर इट इज अगला देखो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश ध्यान देना बच्चे मैं आप सिखाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि द इंग्लिश अब देखो नेम ऑफ लैंग्वेज होता है कोई भी नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते अब बोलो अंग्रेजी भाषा होती है कि नहीं होती है यहां भी इंग्लिश यहां इंग्लिश दो जगह पे द लगा हुआ है अब गलती तो किसी एक कि में होगा तो आपको जानना पड़ेगा ना कहा गलती है तो ध्यान देना बेटा इंग्लिश जो है इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो उर्दू बोलो बांग्ला बोलो ये सब नेम ऑफ लैंग्वेज है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते तो इसके पहले नो आर्टिकल राइट आर्टिकल नहीं लगेगा अब देखो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ लेकिन अब यहाँ पे अब नहीं लगेगा क्यों क्योंकि द लगाने से अगर आप द इंग्लिश करते हो तो इससे हो जाता है हिंदी अंग्रेज़ एग्जाम पूछे ए क्वेश्चन पूछा है तो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश अब देखो अगर मैं द इंग्लिश रखता हूं तो जा अंग्रेज इज द लैंग्वेज अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज गलत है ना होना चाहिए था अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है तो द इंग्लिश को हटा करके इसे हटा दे तो हो जाएगा अंग्रेजी इज है अंग्रेजी है लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा है ऑफ़ द अंग्रेज ऑफ द इंग्लिश यानी इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश अंग्रेजी भाषा किसका है अंग्रेजों का तो द इंग्लिश मतलब क्या हो गए अंग्रेज अब ये सेंटेंस राइट हो गया क्योंकि पहले इसमें गलती क्या था ए नंबर गलती था द नहीं होना चाहिए था ये बात समझ में आ रहा है बच्चे अगला देखो प्रोफेसर सिंह अ मैन हु डिस्कवर्ड अब ध्यान दो मैं आपको आर्टिकल का क्वेश्चन क्यों लिया क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है नहीं बन पाता आप स्पीकिंग करते हैं गलत करते हैं राइटिंग करते हैं गलत करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन गलत करते हैं तो देखो प्रोफेसर सिंह अ मैन अब यहाँ कॉमा दे दिया गया है अब अ मैन हु डिस्कवर्ड अब दैट ध्यान देना हु which that who is that ये तीन वर्ड कहीं भी दिख जाए सेंटेंस के बीच में who is that अगर सेंटेंस के बीच में दिख जाए तो उसके पहले वाला वर्ड निश्चित होता है क्योंकि who is that इज नॉट अ कॉमन वर्ड इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेटिव है तो इसके पहले वाला निश्चित हो जाएगा इसलिए एम एंड ना होकर के यहां पे बोलना पड़ेगा मैन मतलब निश्चित हो गया ऐसे भी ध्यान देना हुई नाम आ जाए तो उसके पहले दा क्यों? क्योंकि वो निश्चित हो गया। अभी क्वेश्चन दैट आया था ना तो जब भी हुट के पड़ोसी जो आ जाए वो निश्चित होते हैं उसके साथ हम निश्चित आर्टिकल का कर प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त ये तो एक नमूना है अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप घर बैठे डी का ऐप डाउनलोड करिए और डिटेल क्लास घर बैठे पढ़िए आप चाहते हो कि धर्मेंद्र सर से फेस टू फेस पढ़ें बिल्कुल दिल्ली में आगे पढ़ना चाहते हो आ जाओ दिल्ली अब दूर नहीं है दिल्ली में आपके साथ फेस टू फेस पढ़ाऊंगा नया बैच हमेशा स्टार्ट होता रहता है आप आइए आपके लिए बै नया बैच स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे नए तरह से पढ़ाऊंगा इसके साथ साथ, साथ स्पोकन भी आप घर बैठे कर सकते हो क्लास घर बैठ के स्पीकिंग राइटिंग फाउंडेशन क्लास बेसिक एडवांस सब क्लास आप ले सकते हो ऐप आप प्ले स्टोर पर जाएंगे या लिंक में इसमें दिया गया होगा प्ले स्टोर पर जा करके या फिर इसी में सब्सक्रिप्शन लिंक, लिंक दिलवा दिया हूं ताकि आप ऐप डाउनलोड कर सके आपकी सुखद भविष्य के लिए मैं हमेशा कामना करता हूं आप अच्छे रहें एंजॉय करें थैंक यू